तो एक और बार आप सभी का स्वागत है हमारे आज के एक नए वीडियो में। आज जिस गेम को हम लोग खेलने वाले हैं उसमें हमारा ब्रेन टेस्ट होने वाला है, हमारा आईक्यू टेस्ट होने वाला है। आप सभी लोग अल्बर्ट आइंस्टाइन को जानते होंगे। अल्बर्ट आइंस्टाइन माना जाता है कि उसका आईक्यू सबसे ज्यादा हाई हुआ करता था, बट खुद अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इस गेम के रिव्यू में लिखा है कि अगर आप इस गेम के 100 लेवल को कंप्लीट कर देते हो विदाउट हिंट लिए, मतलब हिंट लिए बिना कंप्लीट करते हो, तो आपका आईक्यू मेरे से ज्यादा है। बट अगर आप लोग हिंट लेके इस गेम को कंप्लीट करते हो तो फिर आप 10वीं या 12वीं फेल हो। अब ये किस प्रकार का रिव्यू है मेरे को तो समझ नहीं आया, बट हाँ अगर अल्बर्ट आइंस्टाइन ये चीज बोल रहे हैं तो हम मानते हैं। तो आ जाओ गेम में जाते हैं। हम लोग लास्ट टाइम 76 लेवल तक तो कंप्लीट कर लिया था, अभी ये वाला लेवल कौन सा है भाई? आर यू रेडी टू टेस्ट योर ब्रेन? बिल्कुल हम तैयार है। लेवल 76, हाउ मेनी रेक्टेंगल्स आर देर? इसमें कितने रेक्टेंगल्स है? एक ये है, दो, तीन, चार और पांच, मे बी पांच ही मेरे को तो दिखाई दिए अब तक। तो अपन लोग पांच पे डन करते हैं। नहीं, पांच नहीं है क्या? देखो, एक ये बाहर वाला, दूसरा ये वाला, तीसरा ये चौथा, और ये पांचवा। तो पांच और ये छठा और ये सातवा। अच्छा, सात है क्या? नहीं, सात भी नहीं है। फिर अपन लोग ये गेम के स्क्रीन का भी गिने तो ये होता है आठ, राइट? आठ करते हैं। इसमें आईक्यू नहीं लगाना चाहिए मेरे ख्याल से, हिंट लेना चाहिए। बट अगर हम हिंट ले गए तो फिर 10वीं फेल या 12वीं फेल हो जाएंगे। मे बी हम लोगों को ऐसे करना चाहिए। भाई ये सभी स्क्वेयर तो नहीं है ना? इन लोगों ने स्क्वेयर में तो काउंट नहीं किया क्योंकि गेम डेवलपर बेवड़ा है। 12 करते हैं, 12 भी नहीं है, 13 करते हैं, ये भी 14 भी नहीं हो रहा। भाई इसमें रेक्टेंगल्स का क्या सीन है? 17 भी नहीं है, 18 भी नहीं है, 19 भी नहीं है और 20 भी नहीं है। इसमें ना सवाल में ही कुछ गड़बड़ है। लेवल 76 के सवाल में कुछ गड़बड़ हो सकता है। मेरे को लगता है मेरे को हिंट लेना पड़ेगा। भले मैं 10वीं फेल हो जाऊँ बट हिंट ले लेता हूँ क्योंकि ये फिर होने वाला नहीं है। क्योंकि अगर ये वाला अगर हम गिने ना तो ये तो स्क्वेयर जैसा, ये रेक्टेंगल है भी नहीं। तो मे बी हिंट लेते हैं, क्या है? मे बी यू कैन ट्राई सेपरेटिंग देम। अच्छा, हम लोग सेपरेट, अरे यार, एक, दो, तीन और चार, चार रेक्टेंगल है। क्या यार तुम लोग भी भाई, हिंट ले लिया, हम 10वीं फेल हो गए भाई। ठीक है भाई, हम 10वीं फेल 12वीं फेल मान के चलते हैं भाई। ये गेम से कुछ नहीं होता भाई, हम रियल लाइफ में कितना पढ़े वो हमको पता है। इसी बात पे वीडियो को लाइक कर दो, ओके? और नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन भी दबा देना। बट भाई ये लेवल बहुत हार्ड था, 76 लेवल इतना हार्ड है तो 100 लेवल तक हम कितनी हिंट ले गए? आई बेट यू आर ट्राइड काउंटिंग देम बिफोर सेपरेटिंग। डेफिनेटली यार ये लेवल ही ऐसा अजीब लेवल है भाई। हाउ मेनी बोल्स आर देर? इसमें अलग करके ट्राई करें क्या? इसमें बोल्स कितने हैं? एक तो जीरो भी बोल्स में ही काउंट होता है, ओके? तो तीन, चार, फिर ये वाला जो गूगल से, इसमें भी देखो ये सर्कल है तो ये पांच, फिर एक मिनट रखो, बोल्स आर देर, ओके, राइट? सर्कल कितने? एक, दो सर्कल, ये बल्ब का भी एक सर्कल, तीन, ये जीरो है वो भी एक सर्कल में काउंट होगा। यार ये कैसे मैं एक करते हैं, नहीं बोल्स है ही नहीं, जीरो करके एक बार ट्राई करते हैं। नहीं भाई, भाई मेरा ऐसा ही चलता है, मैं इतना दिमाग नहीं लगाता हूँ, चार करते हैं। ये देखो, ब्रेन टेस्ट करने के लिए आया कि मजाक करने आया, वो नहीं समझ रहा। छः भी नहीं हो रहा यार। देखो, एक, दो, तीन तो है, देखो तीन तो हमने गिना, इधर कुछ है तो नहीं ना, ऐसे कुछ करने से कुछ होता तो नहीं ना। हाँ एक मिनट, हम लोग को ना इसको ऐसे कर सकते, हिला सकते पूरे के पूरे स्क्रीन को चेक करने के लिए। हिलाने वाला किधर है भाई? ये लो, ये कुछ भी नहीं हुआ, बोल्स गिरा देते ऐसे ना, इसको ऐसे कर देते ताकि हमको पता लगे कि क्या है सीन। रोटेट मार के देखते हैं अगर अंडे गिर गए तो। नहीं भाई, ये भी नहीं हो रहा, अभी वापस से ऐसा कर देते हैं। अब भी थोड़ा मेरे को डाउट आ रहा है, आई थिंक हमें हिंट ले लेना चाहिए भले हम 12वीं फेल हो जाए। यू कांट सी इनसाइड द बास्केट, ये लेवल अब तक का सबसे घटिया लेवल है क्योंकि मैं सब ट्राई कर चुका हूँ, मेरे को समझ नहीं रहा। और मैं जब भी हिंट लेता हूँ ना, ये बोलते यू कांट सी इनसाइड द बास्केट, मैं बास्केट के अंदर नहीं देख सकता, वो मैं समझा। वापस से देखो, मैं ये वाली ट्राई करता हूँ। चलो मैंने रोटेट किया, फिर भी अंडे गिरने भी तो चाहिए ना, अंदर से बाहर आए तब भी कुछ। एक मिनट रुको, ऐसे ट्राई करके देखते हैं, ये होना चाहिए। हुआ हुआ हुआ, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, दस नहीं यार, ये पाँच, दस है, टोटल दस है। मैंने पहले 11 काउंट किए थे, एक मिनट ऐसा करके, सात, आठ, नौ, दस, डन हो गया। फाइनल ये वाला लेवल भी हमने कंप्लीट कर दिया है। हटाओ भाई, ये तो मजाक मस्ती चल रहा है। हाउ मेनी क्यूब्स आर देर? भाई इसके पहले वाले लेवल ने ना मेरा दिमाग का सच्ची में दही किया है। इसमें कितने क्यूब्स है? क्यूब्स कितने हैं? एक, दो, तीन, चार, पाँच, पाँच, देखो एक तो ये वाला है, दो, तीन, चार, पाँच, छः, और छः के नीचे भी एक होगा ना, मतलब उस साइड पे एक सपोर्ट देने के लिए एक और भी होगा। तो सेवन करके देखते हैं, सेवन नहीं, सेवन भी नहीं है,
क्यूब्स आर देर, कितने क्यूब्स है इधर और कहीं पे तो क्यूब नहीं है ना। एक मिनट, हम लोग को वापिस इंट लेना पड़ेगा ना, तो फिर तो हम बर्बाद है भाई। हमारे पास नाम का आईक्यू नहीं है, ऐसा हो जाएगा। आईक्यू है बट इस गेम का नहीं है। एक मिनट, इसको ना रोटेट मार के ट्राई करते हैं, वापिस हिलाते हैं ऐसे। ये भी नहीं हुआ आई थिंक। मेरे को लगता है आईक्यू गया तेल लेने। 8 करते हैं, 9 करते हैं, 10 करते हैं, हो गया। मेरे को ना अब समझ गया, ये गेम जो है ना भाई, ये गेम में इतने लेवल तक आ चुका ना, अब मेरे को सब कुछ पता है। टर्न ऑन द टीवी प्लीज, ये टीवी को स्टार्ट करना है ना, इसे केबल को, केबल भी नहीं लग रहा भाई। रिमोट अगर हमारे पास होता तो हम स्टार्ट कर सकते थे कि ऐसे, मतलब देखो ये रिमोट है मेरे पास, इसको मैंने ऐसे करके दबाया तो स्टार्ट हो गया, बट हमारे पास रिमोट भी तो नहीं है, तो हम इसको स्टार्ट कैसे करें? अभी मेरे को, मेरे ख्याल से टीवी को स्टार्ट करने के लिए पहले तो ये वाला जो केबल है ना, इसके साथ कनेक्ट होना चाहिए, मानो या ना मानो। या तो हम स्विच बोर्ड नीचे लेके आ सकते हैं या इसको टीवी को ऊपर लेके जा सकते हैं, बट वो दोनों में से एक भी चीज़ नहीं हो रही है। और जहाँ तक मेरे को लगता है, ये मैंने सब करके देखा, ये नहीं हो रहा। आई थिंक हिंट ले लेना चाहिए। ह्यूमन बॉडी कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, अच्छा मतलब हमारा जो बॉडी है वो इलेक्ट्रिसिटी वो कर सकता है, बट मैं कैसे करूँ फिर इसको? अच्छा एक साथ दो जगह पे मैं इसमें कैसे क्लिक करूँगा बताओ? ये तो अजीब ही हो गया ना फिर। पीसी पे तो इम्पॉसिबल है, पीसी पे चीजें करना मुश्किल है। जुगाड़ मैंने निकाला है, ये लो स्टार्ट हो गया। मतलब हम लोगों को एक ही साथ ऊपर वाला वायर और नीचे वाला वायर दोनों को दबा के रखना था, क्योंकि हमारा जो बॉडी होता है ना, ह्यूमन बॉडी, उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। आदमी मर जाए, भाड़ में जाए, ये गेम के डेवलपर के हिसाब से, बट इलेक्ट्रिसिटी पास होनी चाहिए। यू इलेक्ट्रिक टूडे इज जिम सेकंड बर्थडे, लाइट द कैंडल फॉर हिम, लाइट द कैंडल फॉर हिम, ऐसे करा, ये करा। अच्छा ये तो भाई, अरे ये तो सिकुड़ गई, देख रहे हो ये सिकुड़ गई भाई। मेरे को हंसी आती है ये सब चीज़, ये पीछे से मैं जला सकता हूँ क्या इसको ऐसे करके भाई? अच्छा मैं अगर, ये तो भाई सुलगनी चाहिए ना आई थिंक, ये कैंडल को उठा के फिर। अच्छा ये कैंडल हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। ये तो मेरे को पता है, क्योंकि ना ये तो नॉर्मल में भी, मतलब अगर एक को जला दिया तो उससे ऐसे ऐसे करके, वो तो हर कोई करता है दिवाली के टाइम पे, तो ये आइडिया है मेरे को, दिए लेके एक दूसरे को जलाना वो वाला। तो हाँ ये पता है, लर्न टू यूज वॉट एवर यू हैव, ये तो पता है, मालूम है मेरे को। द बॉक्सर वन द लेफ्ट शाउल्ड विन, लेफ्ट साइड वाला बॉक्सर जीतना चाहिए, तो लेफ्ट साइड तो ये हुआ ना, हाँ तो ये वाला बॉक्सर जीतना चाहिए, तो मैं कैसे जीता हूँ इसको? अच्छा ऐसे विन करवाने के लिए फाइट, ओ भाई। अच्छा तो अभी मेरे को कुछ ऐसा करना पड़ेगा, रोटेट करके एक बार ट्राई करते हैं फाइट करवाने का। अरे ये तो वापिस हार गया, इससे नहीं होगा। अब मेरे को ना कुछ सोचने दो, अभी अगर मेरे को इसको जीताना है ब्लू वाले को, तो मैं ऐसा क्या करूँ कि ये ब्लू वाला जीते? या तो मेरे को ना रेड वाले को लेफ्ट वाला करना पड़ेगा, वो तो अगर स्क्रीन रोटेट करूँगा तभी होगा, वरना नहीं होगा, राइट? ये वाला लेवल मेरे ख्याल से हमारा कंप्लीट है। अगर मैं मोबाइल को पूरा ऐसे कर दूँ, मतलब उल्टा कर दूँ, तो ये वाला जो ब्लू वाला बंदा है वो लेफ्ट साइड में आ जाएगा, और उसके बाद मैं फाइट करूँगा तो ऑटोमेटिकली उल्टा करने पे तो वो लेफ्ट साइड है तो वो जीत जाएगा। बट मेन चीज़ क्या है पता है, मैं पीसी पे पूरा इसको उल्टा नहीं कर सकता हूँ, मैं रोटेट कर सकता हूँ, ऐसे से ऐसे कर सकता हूँ, बट पूरा उल्टा नहीं कर सकता हूँ। हाँ हम लोग एक बार हिंट लेके ट्राई करते हैं, हिंट में क्या है? यू माइट इनहेंस हिज ग्लो विद सम वेट। अच्छा ऐसे भी हो सकता है क्या? मैंने जो अपना दिमाग लगाया था ना वो पूरा गलत था। ये वाले पे जा ही नहीं रहा भाई, दूसरे ग्लव्स पे तो जा ही नहीं रहा। चलो फिर भी फाइट करवाते हैं, जीत गए हम लोग ये गेम। मतलब मैंने पूरा ऐसा उल्टा करके दिमाग लगाया, बट ठीक है अभी क्या कर सकते हैं। मेक दिस इक्वेशन करेक्ट, एक्स डिवाइड वाई बराबर 4, ये कैसे करेगा भाई? अच्छा ये इसको मैं कर दूँ 8 से डिवाइड कर दूँ वाई को 2, मतलब एक्स रखते हैं हम लोग 8 और वाई रखते हैं 2, तो हमारा 4 हो जाएगा। अच्छा ये लो भाई, इतना इजी भाई, ये तो मैथमेटिक्स में हमने पढ़ा है। देखो ये एकदम नॉर्मल चीज़ है, ये दूसरी तीसरी क्लास में आई थिंक आ जाता है, अगर फिर भी अगर हमको नहीं आता, अभी मेरे को ये वाली चीज़ नहीं आती ना, तो मेरे को अपने ऊपर सवाल बहुत सारे पैदा होते, बट ठीक है। प्लीज स्टॉप दिस फाइट, ये फाइट को हम रोके कैसे? ये ले कुरकुरी खा। अच्छा ये फाइट को रोकने के लिए हम करें तो करें क्या? जो मेरे को नहीं समझ रहा, आई थिंक इसने जो शर्ट पहना है ना वो जियान वाला है, मतलब आप जियान है। मेरे को हिंट लेना ना चाहिए, मे बी हिंट लेना ही पड़ेगा। मैं इनका फाइट भी नहीं करवा सकता हूँ, लेवल को आगे ले जाने के लिए नेक्स्ट लेवल का भी वो नहीं आ रहा। यू नीड टू स्प्लिट द कुकी। अच्छा मैं कट कैसे करूँ कुकी को? मैं कुकी को स्प्लिट कैसे कर सकता हूँ? ये तो मेरे को भी पता है, मैं आधा आधा करके बांट दूँ तो फाइट खत्म हो जाएगा। देखो अगर मैं मोबाइल में होता ना तो ऐसे करके कुकी को स्प्लिट कर देता, बट पीसी में ये वाली चीज़ हम कैसे करेंगे? ट्राई कर सकते हैं, एक मिनट रुको। आई थिंक अब हो जाना चाहिए। ये स्प्लिट क्यों नहीं हो रहा भाई? मैं इतना तो कुकी को स्प्लिट करने का ट्राई कर रहा हूँ, हो गया। लेट्स गो कम्प्लीट। हाउ मेनी लेटर आर लेफ्ट इफ ई एन टी लीव द अल्फाबेट? अगर ई एन टी अल्फाबेट को लीव कर देते हैं तो उसके बाद अल्फाबेट में कितने अल्फाबेट बचेंगे? देखो 26 अल्फाबेट होते हैं,
उसमें से अगर हम लोग ENT हटा दे तो फिर बचेगी 24। मे बी हाँ 24 सही नहीं है, क्या बात कर रहे हो, ये वाला लेवल कैसे है अगर लेफ्ट। ओ अच्छा 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 मैं समझा, तो मतलब ये लोग ये बोल रहे हैं कि हाउ मेनी लेटर आर लेफ्ट, मतलब लेफ्ट में से अगर हम ई और टी को हटा दे तो कितने अल्फाबेट बचेंगे, मतलब जो लेफ्ट का स्पेलिंग आता है ना एल ई एफ टी, उसमें से ही ई और टी को हटा दे तो कितने अल्फाबेट बचेंगे, जाहिर सी बात है एल और एफ तो दो ही बचेंगे ना भाई, कुछ ज्यादा एल ई और टी को मैंने हटा दिया तो फिर लेफ्ट में तो फिर एल और एफ ही दो ही बचे, उसके अलावा कितने, दो ही बचेंगे डेफिनेटली। ये देखो अगर मैं ई और टी को हटा देता हूँ लेफ्ट के स्पेलिंग में से तो फिर तो सिर्फ दो ही अल्फाबेट बच रहा है, ये भी गलत है, मतलब ये सभी के सभी जो अल्फाबेट में, अच्छा अल्फाबेट में से ई और टी हटाना है, लेफ्ट में से ई और टी नहीं हटाना है, अल्फाबेट में से, तो 1 2 3 4 5 6 6 बचेंगे। अच्छा यार अल्फाबेट में से हमें हटाना था, मैं तो ऊपर देख रहा हूँ उसके अंदर से। I bet you tried to count all the letter in. अरे डेफिनेटली यार डेवलपर भी क्या बंदा है यार, शो मी योर पेशेंस, अभी हमारा पेशेंस टेस्ट होने वाला है। हो गया, अच्छा कुछ करना भी नहीं पड़ा ऐसे ये लेवल। अगर हमको देखो स्क्रीन को ही टच नहीं करना था, इसमें क्या था पता है, पेशेंस टेस्ट करना था, मतलब हमें वेट करना था, कुछ भी नहीं करना था, तो लेवल ऑटोमेटिक कंप्लीट हो गया। समझ गया, जो लोग नहीं समझे समझो यार बात को, कि वो लोग हमारा पेशेंस, हम कितना शांति से बैठ सकते हैं, वो टेस्ट करना चाहते थे। बर्डी हैज ओवरस्लेप्ट, ट्राई शेकिंग द ट्री, हमें ट्री को हिलाना है क्योंकि ये कुछ ज्यादा ही सो गया है, मतलब ज्यादा हद से ज्यादा सो गया है, ओवरस्लेप्ट हो गया है। एक मिनट को ओवरस्लेप्ट ना, ज्यादा ही सोएगा क्या ये लो। ट्री को कैसे हिलाओ, क्योंकि तो ये तो फिर वहीं पूरा हिलेगा तो ये लेवल कंप्लीट हो नहीं रहा, पहली बार तो मेरे को लगा था हो गया। हिंटी ले लेता है भाई, ये समझ नहीं रहा। होल्ड द ब्रांच वाइल शेकिंग, अच्छा मैं समझा क्या करना है, इसको मेरे को पकड़ के रखना है। एक मिनट को ये पकड़ के रखा, अब मैं शेक करता हूँ, मतलब जो ब्रांच गिरने वाला है उसको हमें पकड़ के रखना है क्या। अब ट्राई करते हैं, इसको मैंने पकड़ के रखा, अब शेक किया, हो गया हो गया हो गया हो गया, लेट्स गो। ये वाला लेवल भी, ये लेवल आसान नहीं था बट हाँ मतलब सेंस बना रहा था डेवलपर के साथ। फाइंड द मिस्टिक हियर, 5 × 5 हो गया 25 + 4 = 29, ये सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 4 / 2 मतलब हो गया 2 + 15 तो ये हो गया 70, ये भी सही है। देखो अगर डिवाइड से पहले हम लोग प्लस नहीं, मतलब डिवाइड के बाद हम लोग प्लस नहीं कर सकते या पहले प्लस, ये तो कुछ रूल इतना भी नहीं सोचना है। गेम डेवलपर ना, हमारा ब्रेन जो है ना उसके साथ खेलता है ये गेम का। और ये है काउंस में ए डिवाइड बी गुना 15 + 10 = x + y + z, फाइंड द मिस्टेक हियर। ये है अभी हम डेवलपर के दिमाग से सभी चीजें सोचे, मतलब डेवलपर ने जो दिमाग लगाया है वैसे हमें सोचना है, ना कि हमारे दिमाग से, क्योंकि बाकी सब चीजें हम देखें ना, फाइंड द मिस्टेक हियर, तो मेरे को कोई भी मिस्टेक यहाँ पे तो नहीं दिख रही है, मतलब लिटरली एक भी मिस्टेक नहीं दिख रही है, सब चीजें परफेक्ट है। तो अभी डेवलपर क्या सोच सकता है, क्योंकि मैथमेटिक्स मेरा मतलब बहुत ज्यादा अच्छा नहीं था बट थोड़ा बहुत तो अच्छा था। ये देखो सब चीजें, ये इसमें तो कुछ भी नहीं है, फाइंड द मिस्टेक, अच्छा यहाँ पे एक मिस्टेक है देखो, अच्छा ये रहा, ये जो स्पेलिंग मिस्टेक था भाई, यार सेल्फ क्रिटिसिज्म इज द बेस्ट, हाड़ में जाए यार, मेरे को लगा ही था। अभी ना मेरे को डेवलपर का दिमाग थोड़ा समझ रहा है। वो विंस द बैटल 100 knights versus 100 barbarians, आई थिंक बैटल कौन जीतेगा, मेरे ख्याल से बारबेरियन जीतेगी क्योंकि उसके स्पेलिंग अल्फाबेट बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से देखो डेवलपर का ब्रेन में लगा रहा हूँ इस वजह से। बाकी अगर मेरे दिमाग से देखा जाए मतलब लॉजिकली, तो मेरे ख्याल से नाइट ही जीतने चाहिए, बारबेरियंस नहीं जीतने चाहिए, बट अल्फाबेट के हिसाब से देखें तो फिर बारबेरियन ही जीतेंगे, बारबेरियन। इसमें मैं क्या करूँ ऐसा, हु विंस द बैटल, कौन जीतेगा भाई, कुछ तो हो तो नहीं रहा, मैं आगे कैसे बढ़ूँ इस लेवल में, फाइट का भी ऑप्शन नहीं है इसमें, है क्या, ढींटी ले ले, लेट देम कोलाइड एंड सी द रिजल्ट। कोलाइड मतलब अब मैं इसको फाइट कैसे करने दूँ फिर, अभी ना मेरे दिमाग का दही हो रहा है कुछ अलग ही लेवल पे। 100 barbarians में कोलाइड करने तो दूँ बट कैसे करने दूँ, फाइट का ऑप्शन भी तो होना चाहिए। 100 knights वैसे जीतेंगे तो 100 knights के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ कि चलो नाइट्स को मैंने घोषित कर दिया कि ये विनर है, तो बट आगे तो बढ़े लेवल, आगे तो बढ़ा ही नहीं पा रहे हम लेवल को, क्या यार। एक मिनट, 100 को मैंने पकड़ लिया था, अब नहीं आ रहा पकड़ में, एक मिनट ये आ क्यों नहीं रहा, अब मैं इसको ड्रैग ही नहीं कर पा रहा हूँ। एक मिनट रुको, इसको मैं रिट्राई कर सकता हूँ क्या लेवल को, एक मिनट, लेवल 88, अच्छा
ये 100 को मैंने ऐसे, अच्छा भाई क्या बकवास गेम है, माँ कसम कितना बकवास गेम है ये, इट वॉज बैटल ऑफ वर्ड बट कितना बकवास, लेट द केट इन प्लीज, इट इज फ्रीजिंग आउटसाइड, ओके फ्रीजिंग आउटसाइड, एक मिनट अंदर जाना है, उसको घर के अंदर डालो, ऐसा बोलो ना केट को घर के अंदर डालो ताकि उसको बाहर की साइड पे जो ठंडी लग रही है ना वो ना लगे, मैं दरवाजा ओपन करूँ तो कैसे करूँ, अरे तो चुप मरना थोड़ी देर केट, दरवाजा में खटखटाओ क्या, अरे यार दरवाजा भी मैं खटखटा नहीं सकता हूँ, ये केट को, अच्छा फिर केट को पीछे कैसे रख के आओ, ये भी नहीं हो रहा, यहाँ पे भी नहीं हो रहा, अभी मैं दरवाजा ओपन कराऊँ तो कराऊँ कैसे, एक मिनट मेरे को ना ये करने दो, रोटेट मारने दो, अच्छा हो गया भाई, आज का कोटा मेरा हो गया, अब मैं, मेरा दिमाग जो है ना वो दिमाग का दही हो चुका है, 100 लेवल कंप्लीट करने के लिए एक दो लेवल बड़ी मुश्किल से ऐसे हो गए जिसमें मैंने हिंट नहीं लिया होगा, अल्बर्ट आइंस्टाइन सही बोलते थे ये हिंट लेना पड़ेगा, हम 10वीं 12वीं फेल है, और माँ कसम अगर किसी ने कमेंट करके बोला कि भाई मैं तो हर बार कंप्लीट कर दे रहा हूँ, इम्पॉसिबल है भाई, इम्पॉसिबल चीज है कि अगर तुम एक ही बार में हिंट लिए बिना इस गेम के सारे लेवल को कंप्लीट कर पाओ, मैं मान ही नहीं सकता हूँ तुम्हारा इतना आईक्यू हो ऐसा, अगर है तुम्हारा ऐसा आईक्यू तो भाई तुम गेम वगैरह छोड़ो, तुम अलग लेवल पे जाओगे भाई, गेम में मत छोड़ो, तुम बिजनेस में घुसो भाई, ये दिमाग, दिमाग का क्या बोले, प्लीज टर्न ऑन वो लाइट, मैं सभी लाइट को कैसे ऑन करूँ एक ही साथ ऑन कैसे, अच्छा ये एक स्विच दबाता हूँ दूसरा बंद हो जाता है, अरे 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 हो गया हो गया हो गया हो गया, अच्छा बल्ब ये वाला मैं इधर ऐसे करके देखे क्या, अच्छा इसको इसके ऊपर ही रख देते ऐसे, अब देखो हो गया ना, वो तो गया हो गया, मैं ना इस टाइम पे बेट लगा सकता हूँ अगर अल्बर्ट आइंस्टाइन भी ये गेम खेला ना उससे भी नहीं होगा, क्योंकि तुम ये तीनों बल्ब को एक साथ स्टार्ट ही नहीं कर सकते हो, और हिंट भी प्रॉपर थोड़ी दे रहे, वो द लाइट्स इन द स्क्रीन यू नो, तो भाई उसमें है क्या, तू कहना क्या चाहता है, क्लियर तू वीडियो दिखा, वीडियो हिंट दे, मैं तेरे को 22,000 पॉइंट दे दूंगा, तू मेरे को वीडियो हिंट दे, मेरे को करना है क्या है, ये नहीं दे रहे लोग, ये लोग चाहते ही नहीं है कि हम लेवल को कंप्लीट करें, अगर ये लोग नहीं चाहते हम लेवल को कंप्लीट करें तो फिर कैसे करेंगे, ये बकवास सड़ेले गेम कौन खेलता है भाई यार, ये दिमाग ब्रेन टेस्ट नहीं, और आदमी ब्रेन डेड हो जाएगा ऐसे तो भाई, इसमें कैसे करूं बताओ मैं, देखो ये एल्बम चालू हुआ, दो बंद हो गए, अब मैं रुको, एक एक दिमाग मेरे को लगा, एक मिनट ये, हाँ देखो एक लेवल पे मैंने किया था, सब चीजें अंदर डाल दी थी, यहां से हम कर सकते थे बाहर, तो वहीं मैंने लगाया, द थर्ड वन वॉज फॉर, तीनों माँ कसम ये डेवलपर मेरे को मिले ना भाई, इसका तो मैं नाक तोड़ दू यार, नाक की हड्डी तोड़ दू, श्वास ना ले पाए मर जाए, अलग तरीके की मैं इसको देख दू भाई, बहुत नेक्स्ट लेवल देख दूंगा, तुम ये समझो अगर इसमें तीसरा बल्ब खराब है तो वो तीनों लाइट कैसे, मतलब अगर एक बंद हो रहा है तो बाकी का तो जल रहा है ना, तो तीनों बल्ब एकदम सही थे, तो फॉल्टी कैसे हो सकता है कोई चीज यार, दिमाग का दही करना बंद कर देना है लोग, ये नहीं हो सकता है गेम, लेवल 91 कंप्लीट द लेवे प्लीज, अभी इस लेवल में क्या है, लेवे प्लीज क्या होता है, इसमें मैं क्या कंप्लीट करूँ ये लेवल में, मैं 100 लेवल तक ये गेम को खेल नहीं सकता, मैं सच्ची बताऊँ मैं रो दूंगा, सच्ची में ये गेम बहुत बकवास है, बहुत हद से ज़्यादा, इसका वीडियो नहीं आएगा, अब मेरा हो गया, जितना मैं खेल सकता था मैंने खेल लिया, क्योंकि गेम में कुछ समझता नहीं, हिंट के नाम पे कुछ सही से हिंट देते नहीं, लेवे प्लीज़ कंप्लीट द लेवे प्लीज़, ये लेवल में करना क्या है, हिंट ही दे दे भाई, समथिंग इज मिसिंग इन द क्वेश्चन, अरे लेवल भाई, लेवल बोल रहे है, ये लेवल बोल रहे है, लेवे नहीं बोल रहे, लेवल बोल रहे, ये लगाना है, कंप्लीट द लेवल प्लीज़ भाई, माँ कसम मेरा जो दिमाग आता है ना, दिमाग दिमाग सटक चुका है भाई, मैं ये प्रोसेस नहीं कर पा रहा हूँ, ये चीज़ें इस गेम की लिटरली प्रोसेस नहीं कर पा रहा हूँ, क्लिक ऑन द ब्लू बटन 6 टाइम, 1, 2, 3, 4, 5 ब्लू बटन पे क्लिक करना था 6 टाइम, मेरे को लगा ये लेवल आसान होगा तो इसको भी रेड कर दिया भाई, अब मेरे को अपने ऊपर हंसी आ रही है कि मैं क्या क्यों खेल रहा हूँ ये गेम को, यहाँ पे ब्लू हुआ है ना, फाइंड द ब्लू बटन इन आईडी, भाई यहाँ पे ब्लू दिखा, मैंने यहाँ क्लिक कर दिया, अभी लोग हिंट दे रहे, भाई मेरा दिमाग जो है ना अब हो चुका है, खत्म हो चुका है भाई, पहले मेरे को ब्रेन ट्यूमर नहीं था, ये गेम खेलने के बाद मेरे को ब्रेन ट्यूमर हो गया, 10 = 25, 35 =
75 इक्वल टू 105, तो 25 इक्वल टू, मेरे को नहीं जानना, मेरे को पता ही नहीं लगाना 65 का 105, मैं क्यों इतना दिमाग लगाऊ भाई, 10 का 25 है तो 10 हो गया ना, उल्टा देखो, अगर 10 इक्वल टू 25 है तो 25 इक्वल टू 10, मेरे को दिमाग नहीं लगाना भाई, क्या गेम है तो क्या, डोंट ओवर थिंक अबाउट द पजल भाई, मैं गुस्से में किया था ये वाला लेवल तो, क्या बात है। ओह शी वांट्स एन आइसक्रीम टू, अच्छा इसको आइसक्रीम चाहिए, ये देखो इसको भी आइसक्रीम चाहिए, अरे यार अभी इसमें मैं आइसक्रीम का आइस कहाँ से लाऊँ, कौन तो बना दिया ऊपर, अब आइस किधर से लाऊँ, इधर कहीं पे आइस का जुगाड़ है क्या, आइसक्रीम, आइस का जुगाड़ में अगर इधर से लगा के उठा के भी नहीं डाल सकता हूँ इधर से, ओ ये इसके सर पे क्रीम था, आइसक्रीम, लेट्स गो, क्या बात है यार, जस्ट डोंट टेल हर दैट इट इज, दे से क्यूरियोसिटी किल्स द कैट बट कैन यू किल इट इज वेल, भाई देखो वो लोग कहते हैं क्यूरियोसिटी किल कर देती है कैट को, बट कैन यू किल, हाँ यार छी भाई ये लोग का तो क्या बोलूं मैं, गेम डेवलपर, मैं इसको मार दूं क्या, मतलब क्यूरियोसिटी कैट को मार सकती है तो क्या हम क्यूरियोसिटी को मार सकते हैं क्या, मतलब क्यूरियोसिटी को भी मार सकते हैं क्या, हाँ मार सकते हैं, हमको ये लेवल जानना ही नहीं, लेवल में क्या होगा, हम सीधा हिंट लेंगे, व्हाट किल्स द कैट यूज डेट, व्हाट किल्स द क्यूरियोसिटी, ओ ये गेम, आई वॉन्ट सम मायो, मायो ये ले, मायो ले भाई मायो, अब मैं तेरे को कहाँ से ला के दूँ, मायो तो है ये मायो का सोस है, इसका बोतल ऐसा करके रगड़ दे, एक मिनट को इसको ना रोटेट मारते हैं, अब इसको करते हैं ऐसा, ये लो मायो मिल गया इसको, मायो लेवल कंप्लीट ना, हाँ हो गया, ठीक है भाई ये लेवल आसान था, लेवल 9700 तक पहुँच जाओ बस, मेरे को ये गेम बंद करना है मेरा, हो गया, हेल्प मी कैच द रैबिट, इसको रैबिट पकड़ने के लिए हेल्प करना है, ये लो रैबिट, रैबिट किसके पास आता है, मेरे को लगा लेवल कंप्लीट कर दिया बट ऐसा नहीं है, ओ ओके 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 ओके, जब ये रैबिट यहाँ पे आएगा तो पहले वो इसको ऐसे करेगा, मतलब इसको टच करेगा और पैक हो जाएगा, देखो हाँ लकड़ी के बॉक्स को तो अराउंड रखा ना, देखो इसे तो रखा बॉक्स को, हाँ देखो बॉक्स को ऐसे रखा, ये फिर भी नहीं हो रहा यार, अच्छा ऐसे करके कर सकता हूँ क्या ऐसे, ओ यार द बेबी इज क्राइंग अगेन, आई सस्पेक्ट शी इज गेसी, ये क्या है गेसी, मतलब क्या होता है मैं समझा नहीं, सच बताऊँ तो आई थिंक ये रो रही है, तो इसको हम कैसे चुप कराए, इसको चुप कराने के लिए ऐसे ऐसे कर सकते हैं, मैं भी आंसू को काट दूँ मैं क्या, आंसू को काटने से भी कुछ नहीं हो रहा भाई यार, मतलब बेबी को गैस हो गया ऐसा कुछ है क्या, मैं आंसू को कट भी नहीं कर सकता हूँ, ये तो थोड़ा अजीब ही हो गया, अरे यार ये किसे मैं इसको करूँगा कंप्लीट, रब द बेबी बेली, अच्छा ऐसा करना है क्या, बेली नहीं मिल रहा भाई, इधर ही बेली होना चाहिए, एक बार ट्राई करके देखते ऐसे 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 ऐसे, ये नहीं हो रहा भाई, यहीं पर होना चाहिए बेली, तो यहीं पर रहता है ना, ये लेवल को स्किप करना ही बेटर है क्योंकि इसका मैं बेली रब कर रहा हूँ, इसे मोबाइल में आई थिंक हो जाएगा बट इसमें नहीं हो रहा है, अरे यार तू रो भाई तू रो, तू मर जा, मेरे को लेना देना ही नहीं है, मर जा भाई, मैं स्किप ही मारता हूँ, छोड़ो मेरे को नहीं करना है वाला, माय विडोड ग्रैनी हैज 3 चिल्ड्रन, दे आर ऑल मैरिड विथ एटलीस्ट 1 चाइल्ड, ओके माय आंट हैज 3 नेफ्यूज, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ चेयर्स वी नीड फॉर द डिनर, आंट के है 3 नेफ्यूज और एटलीस्ट 1 चाइल्ड, तो मैरिड विथ एटलीस्ट 1 चाइल्ड, मतलब सभी देखो उसके 3 चिल्ड्रन है, ग्रेनी के 3 बच्चे हैं, उनने शादी किया एटलीस्ट और सभी के एक एक बच्चे हैं, तो 3 बच्चे हो सकते हैं या एक ही बच्चा हो सकता है, मतलब किसी एक का ही एक बच्चा होगा, मे बी हम मान के चलते हैं, माई आंट इज 3, देखो मैं अपना लॉजिक अपने दिमाग में कैलकुलेट कर रहा हूँ, मैं आई होप तुम लोगों के सामने सही तरीके से प्रेजेंट कर पाऊँ, क्योंकि ये ना मेरा दिमाग खत्म कर चुका है गेम, मैं कब से खेल रहा हूँ, तो डिनर करने के लिए कितनी कुर्सियाँ चाहिए, मे बी 3 और ये 4 चाहिए, 4 नहीं तो 6 चाहिए होगी, तब 3 3 हो गए दोनों के,
इन्हीं चाहिए ना, क्योंकि नेफ्यू और एक चेयर चाहिए, बारी बारी सब खा लेंगे। ग्रेनी थ्री कपल फोर चिल्ड्रन, ग्रेनी एक, थ्री कपल हो गए छः, छः और सात, सात आठ नौ दस ग्यारह, ग्यारह चाहिए। यार बहुत इजी था, बट पता नहीं मेरा दिमाग ना, सच बताओ कुछ सवाल बहुत इजी रहेगा इस वीडियो में, बट मेरा जो दिमाग है ना वो मतलब अलग लेवल पे वो हो चुका है, क्योंकि मैं कब से इस गेम को खेल रहा हूँ, कट कुट करके तुम्हारे सामने वीडियो आएगा, बट मेरे को एक एक लेवल में नहीं तो 10 से 15 मिनट लगी, उसके बाद मैंने हिंट लिया है, तो मेरा दिमाग अभी इतना प्रोसेस नहीं कर पा रहा है, तो मैं इस वजह से अभी आखिरी राउंड है। व्हाट इज द केट्स चाइल्ड कोलेड, मतलब जो केट का बच्चा होता है उसको हम क्या कहेंगे, मिट्टी कहेंगे, मिट्टी केप कह दे भाई, किट कह दे, तू गधा कुत्ता कह दे, तू कुछ भी कह दे भाई, तू बस मेरे को छोड़ दे यार, मैं क्या यार, मैं मेरी मर्जी जो बोलूँ, तू आंसर लाइज द क्वेश्चन, क्या क्या आंसर लाइज द क्वेश्चन, मे बी क्वेश्चन में ही कुछ गलती है। अच्छा हो गया 100 लेवल, अब मेरे को कंप्लीट नहीं कर रहा है, अभी देखने दो 101वां लेवल क्या, गिव द मेपल बट नेवर लीव द प्लेट एम्प्टी, इन सबको ना एक एक एप्पल देना है बट प्लेट को खाली भी नहीं छोड़ना है। एक गया, ये दूसरा गया, ये तीसरा, तो भाई प्लेट खाली हो जाएगी। भाई मैं ना जितना हो सके ना उतना मैंने दिमाग लगाया, अगर ये क्वेश्चन का किसी को जवाब पता है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, कमेंट करके मेरे को बता सकते हो, मैं वैसे प्रोसेस कर दूंगा नेक्स्ट लेवल जब स्टार्ट होगा, मतलब नेक्स्ट वीडियो जब स्टार्ट होगा ये वाले गेम प्ले का, हालांकि मैं नहीं बनाऊंगा बट अगर बनाता हूँ तो तब मैं कंप्लीट कर लूँगा, कमेंट करके बता देना। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और लाइक भी कर देना वीडियो को, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। हालांकि मेरे पास IQ बहुत है बट ये जो गेम डेवलपर ने मेरे दिमाग के साथ खिलवाड़ किया है ना, अगर आप गेम खेलोगे तो आपको पता लगेगा, तो ये गेम को चेकआउट करके खेलना, मतलब तुमको पता लगेगा किस लेवल पे दिमाग का दही होता है। बाकी मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय बाय, आई होप वीडियो सबको पसंद आया होगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। चलो बाय बाय।